एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बट लगता नहीं है। कैसी नहीं लगता तुझे बताओ? क्योंकि सब आजकल बीमार होते हैं मैक्सिमम। आजकल मौसम भी खराब होता है, तो मैंने सोचा कि आप भी बीमार होंगे। ओह माय गॉड, काकी कैसी बातें कर रही है। तो वेलकम बैक गाइस, आपका न्यू व्लॉग में आपका वेलकम है। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, इवन 5 बजने वाले हैं। और अभी मैंने तो घर की ड्रेस पहनी है ना, बट इसने नए कपड़े पहने हैं। ये देख लो, मैं घर के कपड़ों पे जा रही हूँ। एक्चुअली हम कुन्नो पे जा रहे हैं, मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे है कुन्नो टॉप पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेस है, मतलब और वहाँ पे बड़ा तालाब है, तो हम उसको सौर बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, मंदिर है नागधुमुनी जी का। तो अभी मैं, मेरी बहन ये 4th नंबर के और 3rd नंबर के अभी नीचे से आ रही है, वो भाऊ और बीबी को विदा करके गई उनको चीजें। वैसे तो मैं बोल रही थी यार भाऊ बीबी को भी ले चलो, बट नहीं, मुझे बोलती नहीं नहीं इनको नहीं ले जाना है। तो अभी वो नीचे आ रही है, दिखा दे नीचे को गाइस। बैक कैमरा बहुत मतलब यहाँ नीचे आ रही है, बैक कैमरा तो हमारा बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं बैक कैमरे से शूट ही नहीं कर पाती हूँ, और काफी टाइम हो गया था आपसे मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, बट मैंने आज सोचा कि चलो आज व्लॉग बना ही देते हैं। वैसे भी सुबह से हम बोर हो गए थे और इसको बाजू में भी दर्द हो गई, तो चलो चलते हैं गाइस। तो अभी हम चल रहे हैं, और गाइस मेरा ये है भाभी का घर, मेरी भाभी का घर पूजू। ये देखो, ये है मेरी 4th नंबर पूजू, थर्ड नंबर वाली सिस्टर। मेरे से बड़ी है, बट लगता नहीं है कि मेरे से बड़ी है। ये देखो गाइस, ये है मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर। ओह कांगी, मैं और पूजू जा रहे हैं गाइस घर के कपड़ों में, बट मेरी जो ये वाली सिस्टर है बहुत ही वो शौक रखती है लाइक कि नए कपड़ों में जाना है, तो उसने नए कपड़े भी गाइस, बट नीचे से चप्पल पहनी है, नीचे से चप्पल पहनी है। यहाँ पे ऊपर बैठे हैं ताई वगैरह। गाइस मैंने चश्मा ले लिया है। एक्चुअली मुझे चश्मा अच्छा नहीं लगता है मेरी शक्ल पे, क्योंकि मेरा मुंह छोटा सा है और ये चश्मा बहुत बड़ा है, तो मैं इसे पहनती नहीं हूँ। पीछे से बहुत सारी गाड़ियां भी आ रही है, बहुत सारी नहीं आ रही है गाइस, एक दो आ रही है गाइस, बट थोड़ी पहले भी चला गई थी, 2-3। हाँ तो फोन करेक्ट, मतलब फोन को ना बिल्कुल सही पकड़, सही ताकि अच्छा है इस तरह से गाइस। ये पीछे वाला रास्ता है, आपको पहले बता देते हैं कुन्नो के लिए रास्ता। अभी आ रही है, आपने भी आना होगा तो आप लोग भी इसी रास्ते से आओगे। सबसे पहले मेरा घर क्रॉस करोगे तो व्यूअर, अगर आप लोग आएंगे तो मेरे घर पे जरूर बैठना। गाइस भागो, गाड़ी आई, हम जाएंगे सड़क टू सड़क यार। गाइस ये देखो गाड़ी आ रही है, कैप्चर। हाँ जी, सुबह से ला आज घर में बैठी हुई। गाइस जो गाड़ी आई वो ना हमारे चाचू उसमें ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी हम उस गाड़ी में बैठ गए, तो हमने सोचा यार जल्दी पहुंच जाएंगे। ये गाइस मेरे बाल पे गाइस हिंदी है बहुत ही सही। हाँ जी, काफी टाइम हो गया था ना व्लॉग ही नहीं बनाया। गाइस अभी हम पहुंचे हैं टॉप पे, ये हमारा स्कूल है और मैंने यहाँ से अपनी +2 करी है। ये देख लो इतना ही प्यारा, बहुत ही प्यारा स्कूल है। तो अभी बस हमारे को गाड़ी भी मिल गई, गाड़ी भी नीचे रुकी है। इस साइड को अच्छी लाइटिंग आ रही है, तो मैं इस साइड को मुड़ गई। गाइस चश्मे से हम कितने हॉट लगते हैं कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, कैसी लगती है बंदरिया। गाइस हम भी, ये बहुत ही शरीफ बहन है मेरी लिटरली। गाइस यहाँ देखो नीचे स्कूल, सामने सड़क सुरक्षा के ऊपर एक प्रतियोगिता रखी थी, कार्यक्रम। और ये जो पेड़ है ना मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं लिटरली गाइस, बताऊं मतलब जो व्यू आ रहा है ना, मस्त मस्त व्यू है यहाँ पे। ये देखो, और साथ में लिखा है सड़क सुरक्षा क्लब, सेफ्टी क्लब। यू मीन जब आप गाड़ी गए चलाते हो तो सीट बेल्ट लगानी होती है, वैसा वैसा। और यहाँ पे एक आया था पुलिस वाला, उसने कही इससे थोड़ी बात तो समझा करेंगे, थोड़ी थोड़ी अगर वो देखता होगा तो। बाकी अभी हम टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे भी, वहाँ से भी दिखाएंगे। तो मंदिर तो इधर सामने ही है, आपको बता देती हूँ।
वैसे कैमरा पकड़ना ना एक बात कहते हैं ऊपर देखो जल मिशन नहीं जल जीवन मिशन दिखाए है हमें कुछ थोड़ा कम दिखता है यहाँ पे इनको टॉप पे थोड़ा सा बता देते हैं ना फिर इतना अच्छा था पहले अब बहुत हाँ मतलब खराब नहीं करा है मतलब कि यहाँ पे ना क्या बोलते हैं अच्छे होगा ये बहुत ही अच्छा बनेगा बट इसके काम चला है ना आज ये जो है ना इसको बोला जाता है गाइस मतलब तालाब आपकी लैंग्वेज में बट हम जो लोकल में बोलते हैं सॉरी इसको बोला जाता है और ये देखो इतना ही मतलब अभी पीछे भी आई थी मैं तो ये देख लो इतना प्यारा है ये सामने मंदिर है तो एक थंबनेल भी ले लेते हैं और जाओ सिस्टर गाइज यहाँ पे बहुत गन डाल दिया उन्होंने ट्रॉफी वालों ने साफ नहीं करते हैं फिर बच्चों को साफ करना पड़ता है फिर अच्छा? गाते हैं हमारे सर बच्चों साफ कर दो फिर करना ही पड़ता है ओह माय गॉड नहीं गाते चलो फिर ऊपर चलते हैं बाकी मतलब इतना ही प्यारा व्यू है ना मतलब शाम के टाइम यहाँ पे आने का एक अलग ही मजा है आप लोग भी आ सकते हो अगर सोगर कहीं से भी हो आप तो इस जगह पे जरूर आना शाम के टाइम मतलब कि बहुत ही अच्छा व्यू होता है यहाँ पे और एक पिक भी रैंडम क्लिक आती है हाँ मतलब एक होता है ना यहाँ पे फीलिंग ऐसी आती है मतलब बहुत ही प्यारी वाली पिक बोल रही है कि पिक्चर भी बहुत ही अच्छी आती है बाकी अभी टॉप पे जाएंगे हम फिर वहां से दिखाएंगे अभी फटाफट से चलते हैं और थोड़ा बहुत गाइज बोलते हैं ना जिस चीज के लिए आए रिलैक्स होने के लिए हम आए हैं तो रिलैक्स भी करेंगे आपको दिखाते हैं मुझे तो यहाँ पे रिलैक्स होता रही है क्योंकि मैं रोज आती रहती हूँ स्कूल को आती रहती हूँ या घूमती रहती हूँ फिर क्या का रिलैक्स होगा अभी यहाँ पे बट मैं मतलब नहीं आती हूँ आजकल यहाँ पे क्योंकि आपको पता ही है कॉलेज प्लस ऑफिस और हम ना ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आई डोंट नो व्हाई दिख रहे हैं ऊपर तक जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं गाइज महाराज गाइज ये देखो चप्पल गाइज चप्पल कितनी अच्छी चप्पल है बड़ी चप्पल अच्छी चप्पल है नहीं और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है बट मेरा फोन इस लाइक नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कितना ही प्यारा है मेरा बैक कैमरा खराब हो चुका है डिस्पेंसरी हाँ ये हमारी डिस्पेंसरी है और बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है चलो जी डिस्पेंसरी चलते हैं जब हम आया था यहाँ ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का जी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ट्रॉफी हुई थी तो यहाँ पे कूड़ा कचरा फैला है और इसे साफ करेगी अब प्रियंका अच्छा और हम घूमेंगे फोटोशूट करेंगे और एक बात कह दूं मुझे प्लीज जो भी ये देखते हैं ब्लॉग देखते हैं तो मुझे प्लीज फॉलो कर देना मेरी आईडी आईटी जगमानवी ठाकुर और आपको मैं अपनी आईडी भी हम क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन करेंगे तो जरूर जरूर हमें फॉलो भी कर देना और ये देखो कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है ये देखो नीचे है तालाब का गया दिख रहा है कितना ही प्यारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से तो गाइज वहाँ पे आए हैं घूमने ये ऐसे आते हैं घूमने आप तो आते नहीं हो गाइज तो हमें नहीं बताना पड़ रहा है गडीज खटा